हेलो स्टूडेंट्स, आपका पेज में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान है। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के इतिहास का पहला चैप्टर देखेंगे, जो कि पार्ट 3 है। आइए देखते हैं बेटा। हम एक चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मुख्यतः पढ़ रहे थे। फ्रांस की क्रांति की विशेषता है बेटा, विशेषता क्या होती है? फीचर्स, यानी कि उसमें क्या क्या बातें होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड है, उसे विशेषता फीचर्स कहते हैं। फ्रांस की क्रांति में क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या बातें हमें पता चलती है उस क्रांति के दौरान, क्या क्या चीज़ें की गई थी और क्या क्या हुआ था। पहले तो इन लोगों ने क्या किया, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, जो इन्होंने क्रांति की थी, उन्होंने क्या किया, संविधान आधारित शासन। उन्होंने कहा अब राजा का शासन नहीं चलेगा, अब जो भी शासन चलेगा कानून नियमों के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, संविधान पर आधारित शासन। शासन को जो आधार होगा, जो बेस होगा, कौन से कौन होगा, संविधान होगा, संविधान के आधार पर शासन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा देश में कोई सामंत, कोई अमीर, कोई कुलीन वर्ग, कोई पादरी वर्ग, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, सबके पास आजादी होगी, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे और साथ में एक दूसरे के साथ भाईचारे की तरह आपस में लोग रहेंगे। तो यही सिद्धांत दिया गया था, इसी विचारधारा पे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार प्रस्तुत किए गए थे। और क्या हुआ था बेटा, एक नया झंडा चुना गया था। पहला झंडा अलग था, इन्होंने एक नया झंडा चुन लिया, जिससे कि जो तिरंगा था फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया, तो वही सब पॉइंट है इसमें भी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तब भी ये सब लिखना, अगर उस तरीके से क्वेश्चन आए तो उसमें एक आधी चीज ऐड होगी। इन्होंने क्या किया, एक नया झंडा चुन लिया और जो उनकी असेंबली थी, जिनका चुनाव होता था, जो उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। और मैंने इसमें आपको बताया था इसका चुनाव फिर सक्रिय नागरिकों द्वारा करवाए जाने लगा। इन्होंने कहा अंदर जो चीज आयात और निर्यात, बेटा आयात मंगवाना, निर्यात भेजना, उस पर जो टैक्स लगता था, जो शुल्क लगता था, उसके क्या करते हैं समाप्त, क्या आप आसानी से कोई भी वस्तु मंगवा लीजिए और कोई भी वस्तु भेज दीजिए, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। माप तोल के एक समान व्यवस्था कर दे कि जहाँ पर भी मापन होगा वहाँ पर एक समान व्यवस्था से होगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं होगा। फिर और उन्होंने क्या किया, फ्रेंच भाषा जो थी, फ्रांस में बोली जाती थी, फ्रेंच भाषा को देश की एकमात्र भाषा बना दिया कि फ्रांस की अब से खाली एक ही भाषा है जिसका नाम है फ्रेंच भाषा। ठीक है, ये कुछ विशेषता थी फ्रांसीसी क्रांति की। ठीक है, पेपर में आ जाता है फ्रांसीसी क्रांति की विशेषता क्या थी, क्या क्या बातें आपको देखते में या फिर पता चलता है क्या क्या हुआ था, तो ये सब एक्टिविटीज हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है नेपोलियन का, जब फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद नेपोलियन का शासन आ गया था। नेपोलियन के शासन काल में क्या क्या बात हुई बेटा, जब नेपोलियन का शासन काल आया था तो नेपोलियन ने अपने शासन काल में प्रजा को, यानी कि जनता के तंत्र को, क्योंकि लुई सोल्वे को हरा के जनतंत्र स्थापित किया था जिसे प्रजातंत्र कहते हैं, उसने नेपोलियन ने प्रजातंत्र को हटा करके स्थापित कर दिया, दोबारा से राजतंत्र को स्थापित कर दिया था। और इसके, लेकिन इसके शासन काल में व्यापार संचार इतनी अच्छी तरीके से विकास कर रहे थे, बहुत उनका विकास हो रहा था। इनके शासन काल में मैं कह सकता हूँ कि फ्रांस की जो आर्थिक विकास था बहुत तेजी से और बहुत अच्छा हो रहा था। फिर 1804 में फ्रांस में नेपोलियन ने, और जितने भी फ्रांस के अलावा उसके क्षेत्र अंडर में थे, नेपोलियन ने उसमें कुछ सुधार करने की सोची कि मुझे कुछ इसमें सुधार करने है, मुझे इसमें कुछ इन क्षेत्रों में कुछ बदलाव करने है। इन बदलावों के लिए इसने कानून पास किया, एक कानून बनाया जिसे कहते हैं नेपोलियन संहिता, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, नागरिक संहिता। क्या नाम है, नागरिक संहिता। इसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है और नागरिक संहिता के नाम से भी।
बेटा एक नंबर का पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, नेपोलियन की संहिता या फिर नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है, नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है तो नेपोलियन संहिता, और ये क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता को किस नाम से जाना जाता है तो नागरिक संहिता। कब लागू हुई थी नागरिक संहिता नेपोलियन संहिता? 1804 में। ये सुधारों की एक सूची थी, आप कह सकते हो सूची थी सुधारों की, जिसमें क्या था आपको पता है, फ्रांस में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जैसे कुछ कुछ लोगों को, बड़े बड़े जमींदार लोगों को जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, यानी कि बाय बर्थ उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स प्राप्त होते थे। तो उस समय नेपोलियन ने क्या किया, जब समानता है समाज में तो किसी को भी एक समान अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, इसने विशेष अधिकारों की जो जन्म से दिए जाते थे उनकी समाप्ति कर दी। फिर इसने क्या किया, वही कदम जो इन्होंने उठाए थे वही कदम उसने भी उठाया, क्या किया, कानून के समक्ष समानता कर दे, कि कानून के पास कोई अमीर व्यक्ति आएगा तब भी कानून की नज़र में वो ऐसे होगा जैसे गरीब या मजदूर या फिर किसान होता है, तो कानून के समक्ष क्या कर दी, समानता। और संपत्ति के अधिकार के सुरक्षित रखा गया कि संपत्ति का अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा संपत्ति के अधिकार से, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। देखो बेटा कोई भी बड़ी इकाई है तो उसका प्रशासन अकेले चलाना संभव नहीं है, तो उसे कई भागों में बांट के और कई लोगों के हाथ में दे के प्रशासन को चलाने को सुविधाजनक आसानी से करा जा सकता है, आसानी से प्रशासन चल सकता है। फिर चौथा पॉइंट क्या किया इन्होंने, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। आपको पता है कुलीन वर्गों के पास कुछ सामंती राइट्स थे, जैसे वो भूमिहीन किसानों और मजदूरों से कर वसूलते थे, ये सब राइट्स को इसने क्या कर दिया नेपोलियन ने, समाप्त कर दिया। और किसानों को भूदात्स्य और जागीरदारी शुल्कों में शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों से हटा दिया गया। अब क्या हुआ, पहले आप जागीरदारी शुल्क समझ लो कि जिसमें किसान जमींदार या फिर उद्योगपति जो भी सामान उगाते थे उस सामान में से कुछ हिस्सा सरकार को दिया जाता था जो कि कर के रूप में होता था। अब इन्होंने कहा जो किसान है वो जागीरदारी और भूदात सब जैसे जैसे जो कर है उनसे उन्हें मुक्ति मिल गई, उन्हें अपना कोई भी उगाया हुआ सामान कर के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। और बेटा क्वेश्चन पेपर में आते ही एक क्वेश्चन सामूहिक पहचान वाला आता है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए, और 1804 की नेपोलियन संहिता की विशेषता या फिर उसमें क्या क्या बातें थी, ये सब आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे नेक्स्ट पेज पे चैप्टर को आगे बढ़ाते। तो बेटा अब हम देखेंगे 1815 में क्या हुआ था। 1815 में नेपोलियन हार गया था, और नेपोलियन के हारने के बाद जिन देशों ने नेपोलियन को हराया था उन देशों ने मिलकर एक जगह पर इकट्ठा हुए, और उन देशों ने क्या किया, समझौता किया, जिस समझौते को वियना संधि के नाम से जाना जाता है। आइए देखते क्या, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव दोबारा से रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। इन्होंने कहा जो नेपोलियन ने सुधार किए थे वो सुधार हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी जो पुरानी व्यवस्था चलती आ रही थी वही व्यवस्था चलनी चाहिए, इसलिए इन्होंने कहा अब नेपोलियन गया अब जो पुरानी व्यवस्था थी उससे भी वापसी लेकर आया जाए। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्था और परिवार को बनाए रखना चाहते थे, मैंने अभी बताया पहले के जो काम थे पहले की जो व्यवस्था थी उसी को बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव नेपोलियन ने किए थे उन सब बदलाव को रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया, दोबारा से पुराने बदलाव को ले आए। इसके लिए जिन देशों ने नेपोलियन के को हराया था जिन्होंने एक समझौता किया जिसका नाम था वियना संधि। बेटा इन्होंने जब कहा नेपोलियन के सारे जो भी उसने काम कर रहे थे जो भी सुधार किए थे उसे समाप्त कर देंगे, अब समाप्त करने के लिए कई देश आपस में मिले, ये जो देश थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया था आपस में मिले, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक संधि की, एक समझौता किया जिसका नाम था वियना संधि। वियना संधि क्या थी, 1815 में ब्रिटेन रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय देशों ने नेपोलियन को हराया
और वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है में समझौता किया, इकट्ठे हुए और वहाँ पर एक समझौता किया। इसकी जो अध्यक्षता थी उसमें किसने की? ड्यूक मेटरनिख ने। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसने कहा था बेटा कि जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये था एक नंबर में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ भी जाता है कि ये बात किसने की, जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता, ये ड्यूक मेटरनिख ने की। ड्यूक मेटरनिख कहा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसने 1815 में वियना संधि हुई थी उसका क्या क्या था, उसकी अध्यक्षता की थी। आप देख लेते जब संधि हुई थी तो उसमें तीन बातें मेनली की गई थी, पहली बात क्या थी, पहली बात ये थी कि फ्रांस जब नेपोलियन का शासन काल था तो फ्रांस का जो क्षेत्रफल था बढ़ते जा रहा था, फ्रांस अपने क्षेत्रफल को बढ़ाते जा रहा था, कभी किसे जीत के कभी किसे जीत के। तो फ्रांस ने, तो इन लोगों ने कहा नेपोलियन का, नेपोलियन ने जैसे फ्रांस के क्षेत्र को बढ़ा दिया, कहीं आगे फ्रांस और कई और क्षेत्रों पर कब्जा न कर ले और फ्रांस के क्षेत्र का विस्तार न हो जाए, इसलिए इन्होंने कहा फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य बना देने चाहिए, अगर राज्य बन जाएंगे तो अपनी सीमा का विस्तार नहीं कर पाएगा। तो पहला मकसद इनका यही था कि फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए जाए, बना दिए जाए, ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके, यानी कि अपने क्षेत्र को आगे ना बढ़ा सके। दूसरा था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए, आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति से पहले और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक राजा था लुई सोल्वे, वो मैंने पहले बता दिया, वो कौन सा राजवंश से संबंधित था, बूर्बो वंश। तो उस वंश को इन्होंने हटा दिया था, इन्होंने कहा उस वंश को हमारे लिए सही है, उस वंश को दोबारा सत्ता में क्या लाओ, बहाल किया जाए, उस वंश को दोबारा से सत्ता में रखा जाए और राजतंत्र की को जारी रखा जाए। तीसरा जो किया उन्होंने किया कि राजतंत्र को जारी रखा जाए। आज जब ये संधि हुई तो यूरोप के लोगों के साथ फिर से उन्हें स्वतंत्रता मिली थी, समानता मिली थी, दोबारा से नेपोलियन के बाद उनसे छीन ली जा रही थी। जब छीन ली जा रही थी तो यूरोप में कई क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, क्या हुआ, यूरोपियन सरकारों के निर्णयों के विरोध में क्रांतिकारी पनपे। जब ये जहाँ पर भी यूरोपियन सरकारें थी, इन देशों ने जो निर्णय लिया था कि बूर्बे राजवंश को वापस लाया जाए, राजतंत्र को जारी रखा जाए और फ्रांस की सीमाओं पर के राज्य बना दिए जाए, ये सब हमारी पुरानी परंपराओं को वापस लाया जाए, इसलिए कई क्रांतिकारी उभरे, उन्होंने गुस्सा और इन्होंने हथियार उठा लिए। जब हथियार उठाए तो उन्होंने साथ में खुफिया एजेंसी भी बना दी, जिनका उद्देश्य था, क्रांतिकारियों का उद्देश्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और जो संधि हुई है इन सब बातों का खंडन करना, वियना संधि का विरोध करना। इस संधि के विरोध में अनेक गतिविधियां चलाई गई जिसकी वजह से कई देशों को बहुत सारे नुकसान हुए। आप तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। बेटा आप देखेंगे हम जर्मनी का एकीकरण, बेटा इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो जर्मनी का एकीकरण आता है या फिर इटली का या फिर ब्रिटेन का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण है कि जर्मनी पहले जो, जब उस समय जर्मनी कई भागों में कई राज्यों में बटा हुआ था तो जर्मनी को एक राज्य कैसे बनाया गया, जर्मनी का एकीकरण कैसे किया गया। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की वह जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक देश था उसमें से एक बड़ा भाग था जिसका नाम था पर्शा, पर्शा राज्य था, उसने कहा यह सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, मैं जर्मनी का एकीकरण करूंगा। आप देखो क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के उदारवादी पैर राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। बेटा बहुत सारे क्षेत्रों में जर्मनी बटा हुआ था तो वहाँ की राजशाही और फौज थी, उन्होंने मिलकर इस जो ये जो पहल की गई थी जर्मनी को एक करने की, उसे दबा दिया गया कि हम जर्मनी को एक होने नहीं देंगे। फिर एक राज्य था उनमें से बहुत बड़ा पर्शा, पर्शा ने इस बात की जिम्मेदारी उठाई, इस बात का भार उठाया और कहा मैं जर्मनी का एकीकरण करूंगा, करके ही रहूंगा।
इस समय पर्शिया का जो शासक था उसका नाम तो ओटोमन बिस्मार्क। कई बार पेपर में आता है जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही या फिर जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो कौन था? बिस्मार्क, ओटोमन बिस्मार्क। इसने कौन सी नीति अपनाई थी? लोह तथा रक्त की। कौन सी? लोह तथा रक्त की। बेटा क्वेश्चन भी आ जाता है, लोह तथा रक्त की नीति किसने अपनाई? जर्मनी के और पर्शिया के ओटोमन बिस्मार्क ने अपनाया और जर्मनी के एकीकरण में अपनाई। पर्शिया ने एक राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन भी चलाया था, एकीकरण के लिए आंदोलन भी चलाया गया। साल वर्ष के अंदर पर्शिया ने 3 युद्ध लड़े, एक ऑस्ट्रिया से, एक डेनमार्क से, एक फ्रांस से, तीनों को इसने हरा दिया और इस तरीके से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। जब एकीकरण हो गया तो 1871 में आपको पता है जिसने एकीकरण किया वही का राजा घोषित होगा, विलियम प्रथम को क्या कर दिया गया? नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में पर्शिया को महाशक्ति, बेटा आपको पता है जर्मनी ने एकीकरण किया तो अब वो एक महाशक्ति के रूप में उभर गया कि हाँ एक शक्तिशाली और नया साम्राज्य बना दिया। जिसका जो राजा बना कौन बना? विलियम प्रथम। हालांकि मेन काम जिसने किया था कौन था? ओटोमन बिस्मार्क। एक साल के अंदर इन्होंने 3 देशों को हरा के जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर दिया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था का आधुनिकरण। इन्होंने अब देखा कि अब राज्य तो बन गया, अब पैसों से संबंधित, बैंक से संबंधित और न्याय व्यवस्था से संबंधित इसमें सुधार किया जाए और इसके आधुनिकरण पर जोर दिया गया। ये जर्मनी का एकीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे अच्छे से देख लो, नोट कर लो और याद कर लेना। ये पार्ट आपका यही समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।